नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। इटावा में कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों ने लगाए 25 करोड़ घोटाले का आरोप। भरथना में चौथे दिन भी फैली रही दुर्गंध भरी गंदगी। बाराबंकी में निकाय चुनाव से पहले सपा ने मारी बाजी, नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए शीला सिंह पर खेला दांव, भाजपा में बढ़ी बेचैनी। रामपुर की स्वार विधानसभा 34 उपचुनाव के लिए अपना दल से शफीक अहमद अंसारी को मिला टिकट, स्वार के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं शफीक अहमद अंसारी। बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ट्रक की आमने सामने भीषण भिड़ंत में 3 की मौके पर ही मौत। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू में जुटी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके पक्ष के लोगों ने लगाया हत्या का आरोप। दहेज की मांग कर ससुरालियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। अमराहाट थाना क्षेत्र के बहटोली गांव का मामला। अमरोहा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बेकाबू होकर सुरक्षा रेलिंग को तोड़ा, हादसे के बाद बस में मची चीख पुकार, 2 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में पुलिस ने फैक्ट्री से बरामद किए देसी कट्टे समेत अवैध हथियार, पुलिस ने मौके से अपराधी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अपराधी को भेजा से। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बंगले में लगी आग, आग लगने से बंगले में रखा सभी सामान जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की घटना। आगरा में चाट बेचने वाले राजेंद्र के पैर में लगी चोट, बेटा विनय ठेले पर रखकर पहुंचा अस्पताल, पैसे और जानकारी के अभाव में एम्बुलेंस को नहीं किया फोन, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद, महिला सिपाही के कमरे का ताला तोड़कर 1.25 लाख का सामान चोरी, बछरायू थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क में बढ़ती गर्मी से बेहाल जानवर, वन विभाग ने निकाला नया तरीका, अब वाटर होल्स बुझाएंगे जानवरों की प्यास। आगरा में अज्ञात कारण से किसान की गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के भिदौली गांव का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की छापेमारी, दूध और आइस कैंडी के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा लैब, जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। अलीगढ़ में महिलाओं के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की आगामी कार्रवाई। ललितपुर में पिता पर 10 साल की किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता किशोरी ने पिता पर लगाया मारपीट और दुष्कर्म का आरोप, घायल अवस्था में पीड़िता को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, थाना बाला बेहट क्षेत्र का मामला। श्रावस्ती में जिले में फूटा कोरोना बम, जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में मिले 7 कोरोना संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बढ़ सकते हैं केस, जनपद में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। रामपुर में आज विधानसभा 34 बार उपचुनाव के नामांकन करने का अंतिम दिन, आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी उपचुनाव का करेंगे नामांकन। बीजेपी की अलायंस पार्टी अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी भी उपचुनाव में अपना करेंगे नामांकन। ललितपुर में सवारियों से भरी लोडिंग टैक्सी और ट्रैक्टर की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में एक ही परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, ग्रामीणों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, सदर कोतवाली क्षेत्र के रजवाड़ा गांव के पास की घटना। गोंडा में नेशनल ड्रग हाउस में लगी भीषण आग, लाखों की दवाइयां
और अन्य सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। रानी बाजार स्थित नेशनल ड्रग हाउस का मामला। अलीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश सचिव ने कहा, भाजपा सरकार का चल रहा है गुंडा राज, राजनीतिक विरोधियों को बना रहे निशाना। फतेहपुर में व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या, हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार। एसपी सहित काफी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। महोबा में पति ने अपनी पत्नी के अपहरण की पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। अपने तीन मासूम बच्चों को साथ लेकर पहुंचा पीड़ित पति। गांव के ही युवक पर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर पत्नी का अपहरण करने का लगाया आरोप। नगरीय निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के चलते आज ज्ञानपुर सदर में नामांकन प्रक्रिया, तहसील में अध्यक्ष पद और सदस्य पदों के उम्मीदवार लोग पहुंचकर अपना कर रही नामांकन। सुरक्षा के मद्देनजर तहसील परिसर में भारी फोर्स तैनात। पीएम के साथ फोटो एडिट कर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी पीएम मोदी और कई मंत्रियों के साथ फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। आरोपी मोहम्मद कासिफ को एसटीएफ और पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठेके और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बनाता था शिकार। महोबा में युवक ने आत्महत्या का किया प्रयास, कर जिसे परेशान होने के चलते युवक ने उठाया कदम। जुए के चलते 3 लाख का कर्जदार बतलाया जा रहा है युवक। कर्जदार कर रहे थे परेशान तो खुद के सीने में खोपा चाकू। पुलिस उप महानिरीक्षक फायर सर्विस लखनऊ पहुंचे महोबा। फायर स्टेशन महोबा का किया गया औचक निरीक्षण। इस दौरान वॉशरूम, बैरक स्टोर, गाड़ियों के रखरखाव सहित अभिलेखों का लिया जायजा। डीआईजी ने आम जनमानस में अग्नि सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान निरंतर चालू रखने की कही बात। महोबा में आगामी त्यौहार ईद उल फितर को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल के साथ निकाला पैदल मार्च। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की कही बात। अंबेडकर नगर में अकबरपुर नगर पालिका सीट पर टिकट बंटवारे से पुराने सपाइयों के में आक्रोश। पूर्व ब्लॉक प्रमुख शारदा राजभर के टिकट मिलने से दो फाड़ में बटा सिपाही खेमा। पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबी पूर्व राज्य मंत्री विद्यावती राजभर ने दिया इस्तीफा। अलीगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर लोग परेशान। मरीज को लेकर रिक्शे से अस्पताल ले जाने का वीडियो हो रहा वायरल। अलीगढ़ में एल्यूमिनियम जलाई कारखाने में हुआ विस्फोट। विस्फोट की घटना से दहला सासनी गेट इलाका। विस्फोट की आवाज सुन मौके पर दौड़े स्थानीय लोग। घटना में महिला सहित 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। अलीगढ़ में वन विभाग और पुलिस की लापरवाही से माफिया सक्रिय। माफिया वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम कर रहे पेड़ का कटान। अवैध कटान करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बापू मॉन्टेसरी स्कूल के अध्यापक की गुंडागर्दी। बापू मॉन्टेसरी के अध्यापक अस्थाना ने की छात्रा की पिटाई। अध्यापक की पिटाई से छात्रा के चेहरे और आंख पर आई गंभीर चोट। और वो करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की है बड़ी जानकारी। तो क्वालिन अस्पताल पहुंची एसआईटी की टीम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। तो अस्पताल में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर जायजा ले रही है। तो पूरे अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्वालिन अस्पताल पहुंची एसटीएफ की टीम। 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। वही अस्पताल में सुरक्षा
सख्त की गई है और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा एसआईटी और फॉरेंसिक टीम जायजा ले रही है, तो पूरे अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो कॉल्विन अस्पताल पहुंची पुलिस, अस्पताल में सुरक्षा सख्त की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं एसआईटी और फॉरेंसिक टीम जायजा ले रही है, तो पूरे अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कॉल्विन अस्पताल पहुंची एसआईटी की टीम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि कॉल्विन अस्पताल में पुलिस बल पहुंचा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस तरह से वहां पर जो है घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है? जी बता दें, यहाँ पर जुडिशियल अधिकारी और साथ ही एसआईटी की टीम पहुंच गई है और हत्या के स्पॉट पर रिक्रिएशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो कॉल्विन अस्पताल पहुंची है पुलिस, 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, तो एसआईटी और एसटीएफ मौके पर जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्वालिन अस्पताल पहुंची है पुलिस, तो अस्पताल में सुरक्षा सख्त की गई है, प्रयागराज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां एसआईटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। तो 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से, जहां क्वालविन अस्पताल के बाहर पुलिस बल मौजूद है, एसआईटी और एसटीएफ मौके पर जायजा ले रहे हैं, तो साथ ही 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां क्वालविन अस्पताल में पुलिस टीम पहुंची है, तो अस्पताल में सुरक्षा सख्त की गई है और साथ ही एसआईटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर जायजा ले रही है। 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और पूरे स्थल का जो है जायजा लिया जा रहा है। तो एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ये जायजा ले रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। तो क्वालविन अस्पताल पहुंची है पुलिस, एसआईटी की टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर जायजा ले रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे उस घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। तो प्रयागराज से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। वहीं आपको बता दें कि 6 सदस्य फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है और पूरे स्थल का जो है जायजा लिया जा रहा है। तो इस दौरान अस्पताल में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो एसआईटी और फॉरेंसिक टीम सीन रिक्रिएट करने के लिए यहां पर पहुंची है और जिस तरह से ये पूरा जो है जायजा भी लिया जा रहा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ये बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल आयोजित की जाएगी। तो बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक आयोजित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में पैनल की लिस्ट पर अंतिम मुहर भी लगेगी।
उन्होंने कहा चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक आयोजित होनी है और ऐसे में जहां बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी तो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल यह बैठक आयोजित की जाएगी जहां पर बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कल बीजेपी की जो है बैठक होनी है, दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिली? निकाय चुनाव के दूसरे फेज को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बैठक शुरू हो चुकी, अभी इस वक्त संगठन की बैठक चल रही है जिसमें तमाम जो प्रत्याशियों की दूसरे चरण में जो जिनकी नामांकन प्रक्रिया या फिर प्रत्याशी उम्मीदवार जो है प्रपत्र आए थे उनकी लगातार जांच के बाद अब ये फाइनल आज की जो बैठक है, आज की बैठक में भूपेन चौधरी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। जो अभी तक जो प्रत्याशियों की बात कहें, पहले चरण में 10 जो महापौर के जो प्रत्याशियों के नाम आए थे, अब 7 नाम और रह गए, उन पर मंथन होना है और बाकी तमाम प्रत्याशियों पर लगातार मंथन आज संगठन में जारी है। संगठन के बाद कल जिस पहले जिस तरीके से हुआ था उसी प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी के बैठक में उन नामों पर चर्चा होगी जो आज लिस्ट बनाई जा रही, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। उस बैठक की दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे, तमाम और पदाधिकारी रहेंगे। संगठन की तरफ से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल समेत तमाम पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिर यानी 24 तारीख को अब दूसरे जो चरण का नाम चुनाव है उसकी नामांकन की आखिरी डेट है 24 तारीख। उसके पहले लगातार आपने देखा किस तरीके से लगातार प्रक्रिया जारी है। अब कल जब 21 तारीख को बैठक होगी, फिर 22 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेन चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली जाने की उम्मीद है 22 तारीख को। फिर उसके बाद 23 तारीख को हो सकता है ये जो सूची है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि 24 तारीख ही लास्ट डेट है, इसके पहले जो सूची है वो आनी है जिस पर लगातार मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी और जातिगत समीकरण फिट वहां पर किस सीट पर बैठ रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर गहनता से अध्ययन हो रहा है। इस वक्त बैठक में तमाम जो अभी महिलाएं आई थी, हालांकि कुछ महिलाओं ने यहां पर विरोध भी किया है टिकट ना मिलने के बाद उनको, हालांकि जो दूसरी जो यहां पर पदाधिकारी बैठे उनको समझाया भी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से भाजपा की प्रक्रिया रही है कि कोई भी प्रत्याशी चुनना है या फिर जो वोटर लिस्टों को लेकर के, तो एक प्रक्रिया रही है किस तरीके से प्रत्याशी को समीकरण है बिठाने हैं, किस तरीके से चुनना है और अंतिम मुहर जो होती है वो केंद्रीय नेतृत्व की होती है। इस बार भी जो संगठन ने अपनी पूरी रणनीति के अनुसार, पूरी लोकप्रियता के अनुसार प्रत्याशी की या फिर जाति समीकरण के अनुसार पूरी लिस्ट लगभग तैयार है। आज शाम को बिल्कुल फाइनल होने के बाद जब कल मुख्यमंत्री के सामने वो लिस्ट रखी जाएगी, तमाम पदाधिकारी होंगे, उसके चर्चा के बाद जो फाइनल लिस्ट जब जाएगी केंद्रीय नेतृत्व को, उसके बाद वहां से फैसला होगा किन किन नामों पर फाइनल बनने के बाद वहां पर किस तरीके से प्रक्रिया रखी गई। शुरुआत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक पैनल बनाया कि इसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, यानी सबकी जिम्मेदारी तय की गई थी किस तरीके से जो प्रत्याशियों का चयन होना है, किस किस तरीके से वहां पर जाएगा और फाइनल सूची चूंकि दिल्ली से आनी है, इस तरीके से पहले जो प्रक्रिया होती है सब तैयार कर ली गई है। अब समय थोड़ा कम बचा है, 24 तारीख को ही आखिरी डेट है, ऐसे में उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो फाइनल सूची आएगी उसके बाद प्रत्याशी नामांकन करेंगे जी, तो ये कहा जा सकता है पूरी तैयारी हो चुकी है। कल जब बैठक के बाद पता लगेगा किन फाइनल सूची पर, किन किन नामों पर जो कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें नाम उस पर फाइनल हुए, जो लिस्ट है वो दिल्ली जाएगी, उसके बाद जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से वो नाम
चिन्हित हुए हैं, महापौर जो 7 नाम रह गए हैं उनके क्या नाम है, किस तरीके से उनको उनकी लोकप्रियता बरकरार रखते हुए उनको प्रत्याशी बनाया गया, ये सब तमाम चीजें हैं। अभी थोड़ा सा विलंब जरूर है लेकिन जल्द ही भाजपा दूसरी सूची जारी करने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा तो जो है अभी अपनी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल अभी तक कितनी पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं या सूची जारी हो चुकी है। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगभग उनकी सूची आ चुकी है, वो लगातार जो दूसरे जो निकाय के चुनाव है दूसरे फेस के उसमें भी उनकी जो नामांकन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, कांग्रेस भी लगातार जो उनको जिताओ प्रत्याशी की तलाश है और लगातार वो मंथन कर रहे हैं और स्कैनिंग कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी अच्छा रहेगा और भाजपा से जो टक्कर ले पाए। यानी जितनी भी पार्टियां हैं सब एक कोशिश ये कर रही हैं कि उनको जिताओ प्रत्याशी और भाजपा की काट कैसे की जाए। यही वजह है कि लगातार जाति समीकरण को देखते हुए, वहां की लोकप्रियता को देखते हुए और पब्लिक की डिमांड क्या है, और सबसे बड़ी जो मुद्दा, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जो छोटी मोटी जो जनता की समस्याएं होती हैं, नाली खड़ंजा विकास इस तरीके से जो वहां के मुद्दे हैं, ये सब इस बार चुनाव में मुझे लगता है हावी होंगे और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश की है कि खत्म हो और लगातार विकास के साथ साथ जो जनता की जो के पास जाने की या फिर सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस बार देखना होगा कि दूसरे लिस्ट में किसका नाम होगा, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल अनुपम, फिलहाल बीजेपी की तमाम बैठकों का दौर तो जारी, लेकिन देखने वाली बात थी होगी कि कब तक प्रत्याशियों की जो है सूची जारी होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। जहां पार्टी के बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देकर वीडियो भी जारी किया है, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। जो अपने उद्देश्य से भटक गई है, तो वही परिवार में सिमट गई है राजभर की पार्टी, ये भी उनका कहना है। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शशि प्रकाश सिंह, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। जहां ओम प्रकाश राजभर को निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, पार्टी के बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के बाद वीडियो भी जारी किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अपने उद्देश्य से भटक गई है पार्टी। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूँ, प्रवक्ता भी रहा हूँ, तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूँ। एक दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद पुत्र मोह में फंस गए हैं, अपने मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही आगामी चारधाम यात्रा को लेकर आज आपदा प्रबंधन टीम ने मौके पर मॉक ड्रिल किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मॉक ड्रिल की गई। वहीं सीएम धामी कंट्रोल रूम पहुंचे जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे। हमने सभी 7 जनपदों में लगभग 16 इंसिडेंट्स क्रिएट किए थे, जिसमें भूस्खलन था, भूकंप भी हमने रिक्टर स्केल पे 6.8 के मैग्नीट्यूड का दिखाया था। साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति हरिद्वार में थी, रोड ये बस एक्सीडेंट भी हुआ था, बस हमारी नदी में गिरी थी,
और स्टैम्पीड की घटना भी हमने इसमें की थी, क्योंकि जहां हमारे ट्रेकिंग रूट्स हैं, जैसे वो चाहे यमुनोत्री हो चाहे केदारनाथ हो, अगर बहुत ज़्यादा इनफ्लो टूरिस्ट का होता है तो स्टैम्पीड की भी एक संभावना बनी रहती है। स्टैम्पीड को किस तरीके से रोका जा सकता है होने से, और अगर होता है तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, पैनिक लोगों में ना हो, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि प्रशासन की ओर से एक स्टेटमेंट दे दी जाए। वही देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों की समीक्षा बैठक पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा ने कहा कि यह हमारे विरोध का ही नतीजा है कि आज सरकार को विपक्षी विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करनी पड़ी। इसके साथ ही करण महरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक होती है उसमें विपक्षी विधायकों को क्यों नहीं बुलाया जाता। आपने ये कहा प्रश्न में पूछते हुए कि आप लोग आरोप लगाते थे और आरोप लगाने का ही ये नतीजा है कि आज ये बैठक हो रही है। लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है उनकी समीक्षा बैठक होती है वो केवल सत्ताधारियों के अलग से होती है, और अब जब विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू की तो विपक्ष के विधायकों की समीक्षा हो रही, साथ में क्यों नहीं? अगर हरिद्वार की 14 लोकसभा सीट पर 14 अगर विधानसभाएं हैं तो 14 के 14 विधानसभाओं की समीक्षा एक साथ क्यों नहीं हुई? सत्ताधारी दल के लोगों की समीक्षा अलग और विपक्ष के साथियों की समीक्षा अलग ही क्यों? आज भी ये प्रश्न खड़ा है और हमने विरोध किया, उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री मजबूरी में समीक्षा को कर रहे हैं, और समीक्षा बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद विधायकों के क्या रिएक्शन आते हैं उस पर फिर हम लोग बात रखेंगे। और आज तो अब तो बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक जो है अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। अभी हॉर्टिकल्चर में एक विधायक ने आरोप लगाया है, उधर कई विधायकों ने सत्ताधारी दल होने के बाद भी ये कहा कि अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुन रहे, तो आज की समीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। आगामी 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कार्यक्रम करने वाली है जिसमें कई हस्तियां भी शामिल होंगी। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में अंकिता हत्याकांड, युवाओं पर लाठीचार्ज, जोशीमठ आपदा जैसे मसलों की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने मन की ही बात करती है, ये बीजेपी का मेगा इवेंट है जिसमें वो अपना गुणगान खुद ही करने वाली है। निश्चित ही बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, बीजेपी का मैं कहूंगा मेगा इवेंट है, क्योंकि उनके यहाँ मन की बात में अंकिता की बात तो होती नहीं, उनकी मन की बात में बच्चों पर लाठीचार्ज की बात होती नहीं, उनकी मन की बात में वीआईपी के द्वारा किए गए कुकृत्यों की बात होती नहीं, उनकी मन की बात में जोशीमठ की बात होती नहीं। महिमा मंडित अपने आप को करने वाली पार्टी है और अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स वो करते रहते हैं यहाँ भी और विदेश में भी, तो इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। अपने मियां मिट्टू अपने को शाबाशी दे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।